नॉमिनेटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इधर एक नॉमिनेटेड जज को मार के नॉमिनेटेड हो गया भाई सुप्रीम कोर्ट को. अब आप जब आपको पार्टी ने इसी तरीके के लोगों को उकसा रही है अभिषेक जी की जैसे लोया को कौन मरवाया लोया को कौन मरवाया बोल दीजिए. मतलब आप बोले सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रहे हैं आपने वो चीज इन्वेस्टिगेशन के लिए अभिषेक जी प्लीज डोंट मेक सच आर्ग्यूमेंट. तो भाई क्या करें लोकपाल ले गया सर लोकपाल में डालो ऑम्बुड्समैन बनाए लोकपाल में डालो नहीं. देखो सीबीआई फिर हम किस पे विश्वास करें. अच्छा इधर का छोड़िए. अच्छा आप इकोनॉमी में बात कीजिए. तो इकोनॉमी क्या रिफॉर्म बना रही है इकोनॉमी में. इकोनॉमी इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़े हैं बिगेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म. इस बार इकोनॉमिक सर्वे पढ़े हैं डाटा कुछ नहीं दिया है सिर्फ फिलोसफी झाड़ दिया है उसने. क्या आपके पास कोई रोड मैप भी नहीं है. सिर्फ आप इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में अभी कुछ टाइम पहले ही आया उसका आर्टिकल आया था. क्या नाम है. I will show you the article. भाई JNU के प्रोफेसर सर फोर्ड फाउंडेशन से फंडेड है. आई एम मेरी बात सुन लो पहले. नहीं मैं कह भी हां क्या वो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का मेंबर था. उसने इसलिए रिजाइन किया कि गवर्नमेंट जो भी फैक्ट्स और रिपोर्ट्स है उसको छुपा रही है पब्लिश नहीं होने दे रही है. हां उसने नेशनल न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा यार. भाई इकोनॉमिक सर्वे जो होता है इकोनॉमिक सर्वे में डाटा बताता है कि हमने क्या किया पिछले साल इस साल हम क्या करेंगे. पिछला साल भी इन्होंने फिलोसफी लिया इस साल भी फिलोसफी दे रहे हम आगे ये फिलोसफी देंगे. भाई फिलोसफी नहीं है लैंडमार्क लेजिस्लेशन लाए हैं जीएसटी इंप्लीमेंट. जब कोई नई चीज इंप्लीमेंट अभी तो कई क्वार्टर से जीएसटी नहीं तो अभी टाइम नहीं है. तो आपने सुना है डीमोनेटाइजेशन भी किया. बिल्कुल डीमोनेटाइजेशन कितने टेरर अटैक्स हुए. अच्छा वो टेरर अटैक डीमोनेटाइजेशन बिल्कुल क्योंकि डीमोनेटाइजेशन से आपको पता चलता है डीमोनेटाइजेशन फेक करेंसी के थ्रू हवाला हो रहा था. हवाला ही के थ्रू टेरर फाइनेंसिंग हो रही थी. आप इस गवर्नमेंट की बात आप ये ऐसा जो बात है ना अभिषेक जी कितने टेरर अटैक्स हुए आप मुझे ये बताइए. Then why our economy is going down? Because we have taken certain hard steps. Then where is that money goes? The whole international media. Then there is that money goes. The whole international media is against our Prime Minister because he has brought the glory of this country again. He has made India great again. All the countries throughout the world are talking about this great land and the power of our Prime Minister. Prime Minister of India has been touted as the best leader in the world, most powerful leader in the world. What is he has done? He has glory, glory ke alawa economy. Glory se chala. Everyone was talking about GST. Who brought GST? Prime Minister Narendra Modi. Everyone was talking about GST. Listen to me. You have asked me. तो आपके मोदी जी विरोध कर रहे थे. Listen. You have asked me a question. So let me respond. अगर question मुझे तो बोलने तो दिया जाएगा. मोदी जी की बात बताओ. 70 साल से देश में बात हो रही थी कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में. 70 साल की चल रही थी70 साल से वो चल रहा था. ठीक है किसने लाया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने. जीएसटी की बात चल रही थी. रोजगार आपको नहीं दे रहे. अभी आप मेरी बात अभी आप प्रश्न पूछ लें. ये भी मोदी लोग ये भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं बस. आप बताओ आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे. आप बताओ अगर या तो आप सुन लें. अच्छा बताओ यार. हाँ. तो 70 साल से बात हो रही थी 370 की एब्रोगेशन की. किसने लाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने. जीएसटी किसने लाया जो सारी सरकारें बात करती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने. लोकपाल एक्ट के लिए सारे तरीके के ड्रामे किए मिस्टर केजरीवाल ने. लोकपाल एक्ट किसने लाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने. पहली बार ग्रुप बी और ग्रुप सी की एग्जाम में अभी आप बीच में नहीं बोलेंगे. ग्रुप बी ग्रुप सी के एग्जाम में क्या बीच में अगर आप ठीक है
ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम में इंटरव्यू खत्म किए ताकि उसमें करप्शन होता था, ये कौन किया, मोदी जी ने। ठीक है, पहली बार इस देश में 1947 से रेफ्यूजीज आ रहे थे जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं था, कहने के लिए उनके पास कोई देश नहीं था। 1947 के 70 साल के बाद पहली बार इस पार्टी ने सिटीजनशिप प्रोवाइड करी मोदी जी ने। वन रैंक वन पेंशन किसने लाया, मोदी जी ने। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ऐसी फेरियस बड़ी लंबी है। तो फिर एक एक एक, एक 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 फकीर आदमी आया है जो झूला लेके चले जाएगा। तो आप लोगों के जो अजम्पशन हैं, जो डेवलपमेंट, मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि मोदी जी की स्पीच सुनिए कड़कड़ डूमा में जो उन्होंने बोला है। सत्तर साल के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, 50 साल के बाद क्या, इंडिया को पिछले 20 साल से फाइटर प्लेन्स नहीं मिले थे, ये किसने लाया, मोदी जी ने। कौन सा आप तो सब कुछ देख ही नहीं रहे, कौन सा अभी खरीदा है फ्रांस में रफेल में करप्शन। अब आप ही बोल दीजिए कि करप्शन नहीं हुआ अभी, ऐसे जो है ना कि शूट एंड स्काउट, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, द स्पिरिट ऑफ, वेट अ मिनट, कैन आई विल टॉक हियर। नहीं, रोजगार क्यों घट गया है, बट वाई यू आर यू डिडंट गिव द क्रेडिट टू इकोनॉमी का बताइए। इकोनॉमी में मैं बता रहा हूँ, ये इकॉनमी का एक है कि अगर आपको हायर जीडीपी ग्रोथ चाहिए कंट्री में, मैं पूछ रहा हूँ क्या अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, ये इकॉनमी में कौन सा कर रहे हैं ना, ग्रोथ चाहिए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हाँ, ये डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ की डायरेक्ट कोरिलेशन है जीडीपी की, ये इकोनॉमी में आप पढ़िए। और मेनली क्या है भाई, देश ने, मोदी जी ने क्या किया, पहली बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में इंडिया 66 नंबर में आ गया, 148 नंबर में। अरे तो उससे फायदा किधर हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग कितने सारे स्टार्टअप देश में पहली बार, ये रिपोर्ट नहीं बढ़ा है स्टार्टअप, पहली बार इंडिया में कौन से पहले बोल लूँ, आप पकौड़ा दुकान का स्टार्टअप आप बोल दीजिए, अगर आपको पहले बोल नहीं, आप पकौड़ा का स्टार्टअप बोल दीजिए, मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे आप। 66 रैंकिंग पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मीडिया को किसने ले गया है, मोदी जी की सरकार। ठीक है, इस देश में पहली बार युवाओं को ये कह रहे कहा गया कि आप नौकर नहीं है, नागरिक क्लास में बैठे हुए हैं कि अपने बिजनेस बना सकते हैं, कॉन्फिडेंस किसने दिया, मोदी जी की सरकार। फंडिंग कहाँ से आएगी, बहुत सारे स्कीम चलाए मुद्रा, पहली बार इंडिया में कितने मुद्रा लोन आप बताइए बटे हैं लोगों को, इसकी कोई स्टैटिस्टिक्स है आपको, 4,00,000 करोड़ रुपए मुद्रा लोन में लोगों को बांट दिए गए हैं, पहली बार छोटे लोगों को इतनी इजीली क्रेडिट किस गवर्नमेंट ने दिया, मोदी जी की सरकार। अब सुनो, जो मुद्रा में 4,00,000 करोड़ बांट दिए, उसी में एलसी का एनपीए बैंक को झेलना पड़ रहा है, एनपीए बैंक को झेलना पड़ रहा है, जो झेलना पड़ रहा है क्योंकि आरबीआई है वो इस गवर्नमेंट की बात ही नहीं सुनती, आरबीआई बात नहीं। लेकिन अभी इसीलिए तो फिर चेंज किए, अब लाया शक्तिकांत दास जी को, अब आप देखिए, इसीलिए लाया चाहते हो, देखिए एक अभिमन्यु था, कौरवों की पूरी सेना थी, कौरवों की पूरी सेना थी और एक अभिमन्यु था, अभिमन्यु 60 साल 70 साल नहीं, विपिन जी 60 साल 70 साल इस देश में एक तरीके का आप लगा लीजिए कि गिल्ट था लोगों के अंदर कि हम भारतीय हैं, इसी तरीके से कौन बोल रहा है गिल्ट था, पहली बार मोदी जी बोल देने से गिल्ट हो गया, पहली बार मंगलयान, इंडिया इज वेयर ऑलवेज प्राउड, मंगलयान किसके उसमें गया, पहली बार नंबी नारायण, मैं बता रहा हूँ मेरी बात तो सुन लो,
पहले इंडिया में जो साइंटिस्ट होते सवाल आरोप अगर आपको लगाना है तो सवाल में पूछ तो मैं बोल रहा हूँ आप सवाल के सही जवाब नहीं दे रहे हैं एक्सप्लेन करने के पहले इंडिया के जो साइंटिस्ट होते थे जैसे कि डॉक्टर नंबी नारायणन उनको कांग्रेस की गवर्नमेंट ने और केरला की गवर्नमेंट ने फंसा दिया और बीजेपी सरकार ने क्यों फंसा दिया और आपकी बीजेपी सरकार इस सरकार ने पद्मश्री दिलवाया नंबी नारायण और आपकी बीजेपी तो इसरो साइंस एंड टेक को जो बजट कम कर दिया है वो एजुकेशन का जो बजट एजुकेशन का बजट बढ़ा दिया है वो भी तो बताइए और एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो बढ़ा ये भी तो बताओ बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए यूनिवर्सिटी हो अब मैं बताता हूँ आज इस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ की हालत देख लीजिए आप लोगों को मैं एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ हमारी डिग्री रैंकिंग बार यूनिवर्सिटी के द्वारा कई लोग यहाँ से पास आउट हो रहे हैं हमारी डिग्री रेकग्नाइज हर साल यहाँ के बच्चे बिना डिग्री के ही अरे यहीं से डिग्री लेके 2018 में हमारे भाई साहब अरे सुनिए अरे आप सुनिए इधर यहाँ से 2018 में ही हमारे भाई साहब डिग्री लेकर के जज बन गए बिना अरे 2017 की बात नहीं है हमारे 18 की डिग्री भाई मैं आपको बता रहा हूँ हमारे भाई साहब बता रहे हैं आज कैसे हुई 18 में वो पास हुए हैं बात आपके जो फैक्ट ये जो फैक्ट है वो गलत फैक्ट है आप अरे यादव जी बस अरे अरे सब संगीत लोग आ गए हैं देखिए सब संगीत लोग आ गए हैं वैसे किसी को ऐसे भाई अलग नहीं बताया जाएगा ठीक है मैं हूँ आम आदमी दिन कुछ और कहता शोभा नहीं देता और ये तो वीडियो बना रहे हो अभी तो बोल रहे हो आज हम किस पे बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं ऐसा आदमी है जो झोला लेके आया था और झोला लेके चला जाएगा और कुछ नहीं लेके गया पहले खाली झोला था फिर भर के ले जाएगा सिर्फ 2.5 लाख पहले लेके गया थोड़ा सा हेलीकॉप्टर के अंदर क्या गलती क्या हो गई वो भी लेके जाएगा बाकी वो अपना पैसा झोला लेके आए थे प्रधानमंत्री का पोस्ट देखिए अभिषेक चले गए ट्वीट कर रहे हैं ठीक है आपने कहा है कि रफेल मुद्दे पे करप्शन सेडिशन कहते हैं